सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड आई एम ग्लैड कि रेवती जी ने मुझे एक छोटा सा मौका दिया कि मैं भी इस फिल्म का हिस्सा बन सकूँ. इतनी कमाल की का रिश्ता है माँ और बेटे का इस फिल्म में, जो काजल और विशाल ने बहुत ही बखूबी निभाया है. सो इट्स अ वंडरफुल फिल्म एंड इट्स अ जेम ऑफ फिल्म. Superstar Aamir Khan is once again all set to create his magic on screen in the upcoming film Salaam Venki. In the film, Aamir is doing a cameo role. On Wednesday at the special screening of the film, Aamir heaped praise on the film and also talked about his cameo role. ये फिल्म मेरे बारे में नहीं है, ये वेंकी के बारे में, और इसी का टाइटल इसलिए सलाम वेंकी, और बहुत ही एक दिल को छू लेने वाली कहानी है. और खास बात ये कि ये एक सच्ची कहानी है. वाकई वेंकी जो है हमारे साथ थे कुछ साल पहले, उनकी माँ सुजाता, इन दोनों की कहानी इतनी इंस्पिरेशनल है और इतनी दिल को छू लेती है. और मुझे इतनी खुशी हुई कि रेवती जी ने ये डिसाइड किया कि उनको ये फिल्म बनाना है. और दिस फिल्म इज़ सो ब्यूटीफुल, इट्स सो मूविंग. हर आर्टिस्ट ने इतना अच्छा काम किया है, काजल ने, विशाल ने, ईच एंड एवरी एक्टर हैज़ डन सो वेल. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड आई एम ग्लैड कि रेवती जी ने मुझे एक छोटा सा मौका दिया कि मैं भी इस फिल्म का हिस्सा बन सकूँ. लेकिन ये फिल्म हम सबसे बहुत बड़ी है, और जो मुद्दा उठाया है और जिस तरह से सुजाता जी और वेंकी की कहानी लोगों के सामने लाई है रेवती जी ने, इट्स रियली अमेजिंग. सो कंग्रेचुलेशंस रेवती, एंड आई होप आप लोग सब देखें और आप लोगों को खूब पसंद आए. और हम वेंकी और सुजाता जी की कहानी से, हम उनकी लाइफ से, उनके स्ट्रगल से, उनकी विक्ट्रीज से हम कुछ सीख सकें. सलाम वेंकी फिल्म इज अबाउट अ डीएमडी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी पेशेंट प्लेड बाय विशाल जेठवा, who strives to live to the fullest, and how his mother, essayed by Kajol, does everything in her capacity to make it better for her son. Salaam Venki lands in theaters on December 9, 2022.